मणिपुर में हो रही हिंसा के विरोध के चलते पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में कैंडल मार्च निकाला गया, जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के शिवाजी प्रतिमा से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ पीथमपुर मुख्य आयशर चौराहा पर समाप्त हुआ। कैंडल मार्च में तख्तियों में स्लोगन लिखे हुए थे, जिसमें सेव मणिपुर, महिलाओं की रक्षा करो और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो। देश भर में अलग अलग राज्यों में फैल रही अराजकता, अमानवीयता, निम्न वर्ग और आदिवासी वर्ग के लोगों के साथ हो रही हिंसा प्रताड़ना के विरोध में आक्रोश जताते हुए मौन कैंडल मार्च निकाला गया। वहीं मौन कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। कैंडल मार्च में शामिल हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत हिरोले ने बताया कि मणिपुर में जारी हिंसा हमारे देश को कलंकित करने वाली है, ऐसे में वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। पीथमपुर से संजय सोनग्रह की रिपोर्ट। उनके घर के मार दिया जा रहा है और हम ये राष्ट्रपति महोदया से मांग करते हैं कि मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। यही हम मांग करते हैं कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया जाए, ताकि वहाँ पर शांति स्थापित हो और ये जिस प्रकार के अत्याचार, दुराचार, 3 महीनों से 90 दिनों से मणिपुर में हिंसाएं हो रही है, हत्याएं हो रही है, आदिवासियों के घर जलाए जा रहे हैं, मंदिर जलाए जा रहे हैं, चर्च जलाए जा रहे हैं, प्रतिष्ठानित थोड़ा शैक्षणिक संस्थाएं जलाई जा रही है, एवं खास करके मणिपुर में मणिपुर सरकार का पुलिस कैंप लूटा जा रहा है, उसमें 6,000 राइफल जैसी हथियार और 6,32,000 कारतूसें भी लूटी गई, लेकिन मणिपुर सरकार अभी तक मौन है और भाजपा की केंद्र सरकार अभी भी मौन है। आपको पता होगा, नेपाल में भूकंप आ जाता है तो 5 मिनट में हमारे प्रधानमंत्री नेपाल में व्यवस्था पहुंचाते हैं, मॉरिशस में पानी की कमी होती है, हमारे प्रधानमंत्री वहां पानी पहुंचाते हैं, लेकिन 90 दिन से मणिपुर जल रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री को, अमित शाह को टाइम नहीं मणिपुर जाके विजिट करे। चुनावी मोड में है हमारे प्रधानमंत्री और अमित शाह। पिछले 20 दिनों में मध्य प्रदेश का 3 दौरा करा अमित शाह ने, लेकिन 90 दिनों से मणिपुर जल रहा है। अमित शाह गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री को ये नहीं दिख रहा है कि मणिपुर में जाके मैं शांति स्थापित करूं, क्योंकि उन्होंने 4 राज्यों में चुनाव है और 4 राज्यों में चुनावी मोड़ होने के वजह से 4 राज्यों में जा रहे हैं। मणिपुर में कहीं ना कहीं जो हिंसा हो रही है, इसकी जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की है, क्योंकि वो मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं कर रहे, ताकि वो अगर बर्खास्त करेंगे तो उनकी पोल खुल जाएंगे। हम चाहते हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए और महामहिम राष्ट्रपति महोदय व राष्ट्रपति शासन लागू करें, ये हमारी मांग है। डॉक्टर हेमंत हिरोले, असंगठित कामगार कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष और आदिवासी ईसाई समुदाय का सदस्य। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।